ऐतिहासिक इमामबाड़ा से मुहर्रम पर्व पर निकलने वाले जुलूस व परिसर में लगने वाले मेला परिसर का एसपी सिटी डॉक्टर कौसुदुम व इमामबाड़ा स्टेट अदनान फर्रुख शाह उर्फ मियाँ साहब ने अपने मातहतों के साथ निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसपी सिटी व मियाँ साहब ने जुलूस में निकलने वाले ऊंट हाथी घोड़ा सहित अन्य जानवरों के संबंध में आपस में वार्ता किया और मुहर्रम में निकलने वाले ताजिए के रूट मार्गों में सुरक्षा संबंधित तैयारियों पर भी चर्चा की। निरीक्षण के बाद गोरखपुन्नी से बात करते हुए अदनान फर्रुख शाह उर्फ मियाँ साहब और एसपी सिटी डॉक्टर कौसुदुम ने कहा, ठीक ठीक रूप से अगर आप पूरे शहर का जानना चाहते हैं या हमारा जानना चाहते हैं, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है तो यहाँ बाज़ार वगैरह लगता है, वो सब सिलसिला यहाँ चल ही रहा है, लाइट वगैरह का सिलसिला चल ही रहा है, जो लाइट्स लगती हैं जुलूस में, जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे परंपरा के तौर पर जैसे जो चीज़ें होती थी वो सब की तैयारियाँ हो रही हैं। और इधर क्योंकि बहुत सारी नई नई बातें हो रही थी कि ऊँट नहीं निकलेगा तो फलानी चीज़ नहीं होगी, तो उस सिलसिले में भी प्रशासन से भी बातचीत चल रही है। आज भी दौर हुआ, एसपी सिटी साहब यहाँ मौजूद थे और उनसे बातचीत हुई है और अभी तो सही नतीजा जो है वो एक आध दिन में ही निकलेगा, क्योंकि अभी जो बड़े अधिकारी लोग हैं उनसे बातचीत और होगी, होनी है, तो वो हो जाए तो किसी नतीजे पर निकलेंगे। उस सब के लिए मैंने कहा है कि जैसे हमारा निकलता है जिस परंपरा के परंपरागत जुलूस जो निकलते हैं हमारे, और भी कई मोहल्ले के जो जुलूस निकलते हैं सब अपने तौर तरीके से निकलेंगे, उस पर ही कोई फेर बदल नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा के लिए मैंने कहा कि सुरक्षा तो हमेशा बहुत अच्छी होती थी, पिछले साल सुरक्षा यहाँ अच्छी नहीं थी इस शहर में, लेकिन इस बात इन्होंने अभी सुनिश्चित किया है कि सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि सुरक्षा कैसी रहती है। अभी हम लोगों ने यहाँ 3 साल दशहरा एक साथ पढ़ा था और पिछले साल भी गणेश प्रतिमा थी,
इस साल भी है और मेरे ख्याल से अगले साल भी रहेगी, तो उसके लिए पूरा एहतियात हम लोग भी बरतेंगे और गणेश प्रतिमा वालों से भी हम लोगों की खूब बातचीत हुई है। अब्दुल्ला साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इन लोगों की इनकी अलग मीटिंग उन लोगों से हुई है और वो लोग भी एहतियात बरतेंगे और इस तरह की कोई बात नहीं, आपस में हम लोग सब एक हैं, मिलजुल के सब लोग त्यौहार जो है सकुशल संपन्न करने की पूरी कोशिश रहेगी। नहीं, उसके लिए हम यहाँ पे एक टेम्प्रेरी चौकी परंपरागत रूप से बनाते हैं, वो चौकी बनाई जाएगी, वीडियो कैमरा लगाए जाएंगे और जो जितनी ड्यूटी की आवश्यकता है उतनी ड्यूटी लगाई जाएगी और साथ ही में हमारी टीमें भ्रमणशील रहेंगी हर क्षेत्र में। सर मेला भी लगता है, काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी तादाद में आते हैं जी, उसकी सुरक्षा के लिए और जो जुलूस निकलता है यहाँ से, पाँचवीं में जुलूस निकलता है, नौवीं निकलता है जी, सातवीं में निकलता है, उसके लिए देखिए कई जगहों पे इंपॉर्टेंट बिंदुओं पे हमने स्टैटिक ड्यूटी लगा रखी है, जुलूस के साथ भी ड्यूटी लगाई जाएगी, तो जितनी ड्यूटी की आवश्यकता उतनी पूरी लगाई जाएगी। साथ में हम टेक्निकल अपरेटस को भी लगाएंगे, जैसे सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे, जिस चीज़ की भी आवश्यकता रहेगी उसको लगाए जाएंगे। इसमें हमारे मोटरसाइकिल दस्ते ये सब भी लगेंगे। सर जुलूस में हाथी निकलते, घोड़ा और ऊंट, प्रतिबंध है कि सब नहीं? बड़े पशुओं पर प्रतिबंध लगा हुआ है और डीजे पे समय का प्रतिबंध है, उस चीज़ का अनुपालन करने हेतु सभी ताजियादारों ने भी बताया है कि वो उस चीज़ का रेस्पेक्ट करेंगे क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश हैं, और बाकी अच्छे माहौल में हम ये सारा कुछ कराने का प्रयास करेंगे।